ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हम आपका चैप्टर नंबर 2 ग्रामर में फ्रेजेस एंड क्लाउज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ दिस टाइम फॉर बुक वर्क. अब बुक वर्क हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक लेके बैठनी है और पेज नंबर 15 निकाल लेना है. कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 15. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्किल द नाउन और वर्ब दे मॉडिफाई वन हैज़ बिन डन फॉर यू. तो आपको क्या करना है, ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज को अंडरलाइन करना है. अब एक बात बताओ, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन से रिलेटेड होता है ना. तो जो जैसे एडजेक्टिव है, किस नाउन के लिए यूज़ में किया गया है, उस नाउन को तो क्या करना है, एनसर्किल करना है. और जो फ्रेज एडजेक्टिव एडजेक्टिवल जो फ्रेज है जो यूज़ की हुई है उसको अंडरलाइन करना है. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. लिख रहा है द बॉयज सिटिंग ऑन द ग्रास सिटिंग ऑन ग्रास आर इंजॉइंग. अब देखो ये जो है ना आपका, और इसको बुक में आपका अंडरलाइन क्या हुआ है, ठीक है, पहला वाला जो है आपको अंडरलाइन क्या हुआ है. तो ये जो चीज है ना, सिटिंग ऑन अ ग्रास, द बॉय सिटिंग ऑन अ ग्रास, वो लड़के जो घास पर बैठे हुए हैं आर इंजॉइंग. तो क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. जो वो लड़के जो घास पर बैठे हुए हैं क्या कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं. ये यहाँ तक ही आएगा, सिटिंग ऑन ग्रास. तो ये सिटिंग ऑन ए ग्रास तो क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा आपका. और ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा. तो ऐसे ही सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, इन सेंटेंस के अंदर आपको क्या फाइंड करना है, आपको नाउन फाइंड करनी है और एडजेक्टिवल फ्रेज फाइंड करनी है. क्या फाइंड करनी है, ऐसे ही द बॉयज क्या है, नाउन है. क्यों है, क्योंकि सिटिंग ऑन अ ग्रास, वो लड़के जो घास पर बैठे हुए, घास पर कौन बैठा हुआ है, लड़के बैठे हुए हैं. और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की क्या बताते हैं, स्पेशलिटी बताते हैं. तो लड़के घास पर बैठे हुए, कौन बैठे हुए, बॉयज बैठे हुए, तो बॉयज विल बी योर नाउन एंड सिटिंग ऑन अ ग्रास क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा. होप ये आपको समझ में आ गया होगा. ये बुक का ही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है. अब अगला वाला है आपका, सेकेंड वाला देखना है आपको. इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर ए बता रहा हूँ, ए के अंदर आपको सेकंड वाला देखना है. माय शर्ट विथ ब्लू स्ट्रिप्स. मेरी शर्ट जो नीले स्ट्रिप्स वाली है. कौन सी वाली है, नीले स्ट्रिप्स वाली है. तो जो शर्ट है ना, शर्ट को तो आप क्या कर लोगे, एनसर्किल कर लोगे. क्या कर लोगे, एनसर्किल कर लोगे. और जो विथ ब्लू स्ट्रिप्स लिख रहा है ना, विथ ब्लू स्ट्रिप्स, उसको क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे. उसको क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे आप, ठीक. माय शर्ट विथ ब्लू स्ट्रिप्स. तो विथ ब्लू स्ट्रिप्स को तो क्या कर लोगे आप, अंडरलाइन कर लोगे. और माय शर्ट को क्या कर लोगे आप, एनसर्किल कर लोगे. ऐसे करना है आपको, ठीक है. अगला वाला देखते हैं. वी प्लेड फुटबॉल द होल डे. तो आप क्या करोगे, प्लेड को तो क्या कर लोगे, एनसर्किल कर लोगे. प्लेड को क्या कर लोगे, एनसर्किल कर लोगे. द होल डे को क्या कर लोगे आप, अंडरलाइन कर लोगे. द होल डे को क्या करोगे, अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है. फोर्थ वाला है, द हेलीकॉप्टर विल लैंड इन अ फ्यू सेकेंड. द हेलीकॉप्टर विल लैंड इन अ फ्यू सेकेंड. तो लैंड को क्या कर लोगे, एनसर्किल कर लोगे. और इन अ फ्यू सेकेंड को क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे. अच्छा, इसमें ना आपको लिखना भी है, एडजेक्टिवल फ्रेज है कि वो है आपका एडजेक्टिवल एडवर्बियल फ्रेज है. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला तो आपको करके बताया हुआ है ही सही. सेकेंड वाला क्या करना है, जो माई शर्ट विथ ब्लू स्ट्रिप्स है ना, उसमें लिखोगे एडजेक्टिवल फ्रेज. सेकेंड वाले में क्या लिखोगे, एडजेक्टिवल फ्रेज. सेकेंड वाले में क्या लिखोगे, एडजेक्टिवल फ्रेज. थर्ड वाले में लिखोगे एडवर्बियल फ्रेज. थर्ड वाले में क्या लिखोगे,
एडवर्बियल फ्रेज, फोर्थ वाले में लिखोगे एडवर्बियल फ्रेज, फोर्थ वाले में भी क्या आएगा एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल ये वाला एडवर्बियल आता है, एडवर्बियल फ्रेज, और एडजेक्टिवल क्या आता है एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। तो ये हो गया होगा आपका, फोर्थ वाला है अ कार्ट विथ कैमल्स इज स्टिल यूज्ड इन सम विलेज, अ कार्ट विथ कैमल इज स्टिल यूज्ड इन सम विलेज। अब आप क्या करोगे, अ कार्ट को तो क्या कर लोगे एनसर्किल कर लोगे, अ कार्ट को क्या करोगे एनसर्किल कर लोगे, और विथ कैमल्स को क्या कर लोगे, विथ कैमल्स को जो है अंडरलाइन कर लोगे, विथ कैमल्स को क्या कर लोगे अंडरलाइन कर लोगे, और सामने क्या लिखोगे, इसके सामने लिखोगे एडजेक्टिवल फ्रेज, सामने क्या लिखोगे एडजेक्टिवल फ्रेज। यहाँ तक आपको आ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं इसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। फाइव तक मैंने बता दिया, सिक्स सेवन एट नाइन टेन आपको क्या करना है घर से ट्राई करना है, सिक्स सेवन एट नाइन टेन आपको कहाँ से करना है घर से ट्राई करना है। बी वाला देखो, अंडरलाइन द एडजेक्टिवल क्लाउज और एडवर्बियल क्लाउज, अंडरलाइन द एडजेक्टिवल क्लाउज, इसमें ऊपर वाले में अपन ने क्या अंडरलाइन क्या कर रहा था, एडजेक्टिवल फ्रेज को अंडरलाइन कर रहा था और एडवर्बियल फ्रेज को अंडरलाइन कर रहा था। इस वाले में क्या अंडरलाइन करेंगे, एडजेक्टिवल क्लाउज को अंडरलाइन करेंगे और एडवर्बियल क्लाउज के क्लाउज को अंडरलाइन करेंगे। तो सूची लॉस्ट हर पर्स व्हेन शी वाज गेटिंग ऑफ द क्राउडेड ट्रेन, तो इसमें भी वही है, लॉस्ट जो है आपका एडवर्बियल फ्रेज है, तो इसको लॉस्ट को तो आप क्या कर लोगे एनसर्किल कर लिया इसने, और व्हेन शी वाज गेटिंग ऑफ द क्राउडेड ट्रेन को क्या कर रखा है इसने अंडरलाइन कर रखा है। ऐसे सेकंड वाला है, द कैमरा विच माय अंकल बॉट, द कैमरा विच माय अंकल बॉट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो आपको क्या करना है कैमरा को तो क्या कर लोगे एनसर्किल कर लोगे, कैमरा को क्या कर लोगे एनसर्किल कर लोगे, और वेरी एक्सपेंसिव है ना, वेरी एक्सपेंसिव को क्या करोगे अंडरलाइन कर लोगे, वेरी एक्सपेंसिव को क्या करोगे अंडरलाइन कर लोगे, और इसके सामने क्या लिखोगे एडजेक्टिव क्लॉज, इसके सामने क्या लिखोगे एडजेक्टिवल क्लॉज, ठीक है। अब थर्ड वाला है, एज यू वर लेट फॉर द क्लास, एज यू वर लेट फॉर द क्लास को क्या कर लोगे अंडरलाइन कर लोगे, एज यू वर लेट फॉर द क्लास को अंडरलाइन कर लोगे, यू वर मार्क्ड एबसेंट, यू वर मार्क्ड एबसेंट, इसको क्या कर लोगे आप, इसको एनसर्किल कर लोगे, क्या कर लोगे मार्क्ड, मार्क्ड को है ना वो लिख रहा है ना वहाँ पे एम ए आर के ई, इसको क्या कर लोगे आप एनसर्किल कर लोगे इस तरीके से, ठीक है। अब फोर्थ वाला है, द बॉय हु इज वियरिंग अ, अच्छा ये एज यू वर लेट फॉर, थर्ड वाला जो है ना एज यू वर लेट फॉर द क्लास यू वर मार्क्ड एबसेंट, इसके सामने जो कॉलम बन रहा है, इसके सामने जो आपका ये ब्लैंक बन रहा है, इसको कब कर लोगे आप एडवर्बियल क्लाउज, क्या करोगे इसको एडवर्बियल क्लाउज कर लेना इसको, ठीक है। और फोर्थ वाला है, द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, द बॉय को क्या करोगे नाउन कर दोगे, द बॉय को सॉरी द बॉय को क्या कर दोगे एनसर्किल कर लोगे, द बॉय क्या कर दोगे एनसर्किल, और हु इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट को क्या कर दोगे अंडरलाइन कर दोगे, और सामने क्या लिख दोगे एडजेक्टिवल क्लाउज, सामने क्या लिखोगे एडजेक्टिवल क्लाउज। फिफ्थ वाला देखते हैं, सीमा वॉज वरिड बिकॉज शी डिड नॉट नो द डायरेक्शन टू द रेलवे स्टेशन, सीमा वॉज वरिड बिकॉज शी डिड नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ रेलवे स्टेशन। अब देखो, She did not know से लेकर रेलवे स्टेशन तक आप अंडरलाइन कर दोगे, She did not know से लेकर रेलवे स्टेशन तक आप क्या कर दोगे अंडरलाइन कर दोगे, और worried को क्या कर दोगे एनसर्किल कर दोगे, worried को क्या कर दोगे एनसर्किल कर दोगे। आगे बात समझ में, तो ये 1 2 3 4 5 मैंने बता दिया आपको है ना, 6 7 8 9 10 आपको घर से करने हैं, और सी वाला आपको स्किप करना है, सी वाला आपको करना नहीं है, अगर आप ये वैसा ही अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसको मैं तो स्किप करा रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है।